जून की गर्मी अपने जोबन पर, सूरज आग बरसाने लगा। आज रवां साल का गर्म तरीन दिन, शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। शदीद गर्मी से शहरियों के पसीने छूट गए, गर्म हवा ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। मजीद चंद रोज गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 11 जून से बादलों की आमद की पेशगोई, गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। लेस्को का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट पर पहुंच गया, जबकि आबी ज़खायर के लिए सख्त गर्मी नेमत बन गई। ग्लेशियर्स पिघलने से पानी की आमद में भी इजाफा, आबी ज़खायर में 1 लाख एकड़ फुट पानी रोजाना भरने लगा। तरपेला डैम में पानी की आमद 1,51,000 क्यूसिक हो गई। मायरा कत्ल केस में अहम इंकशाफात। मकतूला मायरा ज़ाहिर जद्दून से शादी करना चाहती थी। मुल्ज़िम ज़ाहिर जद्दून और मायरा की 2016 से दोस्ती थी। वकूआ से 2 रोज़ कबल दोनों इस्लामाबाद भी गए। मायरा कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमों ज़ाहिर जद्दून और वसीम अब्बास को गिरफ्तार किया, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाक के 6 साल बाद शोहर ने साबका बीवी को मार डाला। हरबंसपुरा के इलाका फतेहगढ़ में कत्ल का अंधोनाक वाकया। मुल्ज़िम यूसुफ भट्ट ने 40 साल जैनब को अपने घर बुलाकर कत्ल किया, लाश को घर में ही दफनाने की कोशिश की। बच्चों के इतला पर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्ज़िम ने अपने भाई वहीद भट्ट, कज़न बिलाल के साथ मिलकर फायरिंग करके जैनब को कत्ल किया। रेंज रोवर के नीचे पुलिस एहलकार को कुचलकर जख्मी करने का मामला। रेंज रोवर का मालिक हमसा जावेद नशे का आदि निकला। पुलिस के मुताबिक होटल आने से पहले भी मुल्ज़िम हमसा ने कोकीन का इस्तेमाल किया था। थाने में गाड़ी लगाने के बहाने से हमसा गाड़ी को दौड़ाकर ले गया, जबकि मुल्ज़िम के खिलाफ 2 दरख्वास्तें धोखाधड़ी के पुलिस को मजीद मौसूल हो गईं। कुछ लोग बहरिया टाउन कराची आए, हमारा अरबों का नुकसान कर गए। पूछना चाहते हैं मलिक रियाज ने बहरिया टाउन बनाकर क्या जुल्म कर दिया। लोग बहरिया टाउन में अरबों और खरबों का बिजनेस कर रहे हैं। अरबों रुपए की तामीरात को जला दिया गया। सिक्योरिटी इदारे शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। बहरिया टाउन के रिहायशियों, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर लाहौर को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, सूबाई वजीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में सफाई से मुतल्लिक मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सरकारी खाली प्लॉट्स पर बच्चों के लिए प्लेलैंड बनाने पर इत्तेफाक हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर के अहम मुकामात से रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाया जा रहा है, जबकि लाहौर की सफाई के लिए नाइट स्वीपिंग तेजी से जारी है। लाहौर की तमाम ड्रेन्स की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। SP सदर हफीजुर रहमान इस्तीफा दे और घर चला जाए। ये बंदा पुलिस सर्विस में रहने के काबिल नहीं। पुलिस अफसरान अदालतों में झूठ बोलकर मुल्ज़िमान को तहफ़ुज़ देते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट SP सदर पर फिर बरहम। सिर्फ 1 मरतबा माफ़ कर दें SP की इस्तदा। अदालत ने गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहरी की जायदाद पर पुलिस कब्जा से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का SP सदर को कल दोबारा पेश होने का हुक्म। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार। फ्लाईओवर के पिलर्स बनाने के लिए अराजी दस्तयाब ना होने का इंकशाफ। 6 पिलर्स की तामीर के लिए ताहाल अराजी एक्वायर नहीं हो सकी। लेस्को की जानिब से बिजली की तारों की शिफ्टिंग में भी मुसलसल ताखीर। LDA ने डेप्टी कमिश्नर ऑफिस को लैंड एक्विजिशन की इस्तदा कर दी।
गुलाब देवी अस्पताल के सामने शगाफ पड़ने का मामला। फासा की जानिब से रातों रात पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी गई। सेवरेज लाइन मुरम्मत के बाद शगाफ को रेत से भर दिया गया, जबकि सेवरेज के मुरम्मती काम के 24 घंटों बाद सड़क की बहाली का काम शुरू होगा। गड़ा पड़ने वाले मुकाम को टेप लगाकर बंद कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। लंबे बूट पहनकर अदाकारी से आवाम का हमदर्द बनने की कोशिश की जाती थी। लाहौर में रहकर गंदा पानी पीने का एहसास मुझे भी हासिल रहा। तबाह हाल इदारों को अपने पांव पर खड़ा करना वजीरे आला का अज़्म है। बारिश का पानी महफूज करने के लिए वाटर टैंक्स बनाए गए। महफूज पानी पौधों को देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से लाहौर में मजीद 9 अफराद जां बहक। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 107 नए केसेस रिपोर्ट। सुबह भर में 35 मरीज दम तोड़ गए, जबकि कोरोना के 93 मरीज ताहाल तशवीशनाक। सरकारी अस्पतालों में 366 मरीज ज़ेरे इलाज। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी, जबकि तलबा के लिए स्टूडेंट कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवाने की सहूलत। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने को जून की तनख्वाह नहीं मिलेगी। डिप्टी सेक्रेटरी मसरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुलाजमीन को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की हिदायत। कजाफी स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर मेरी इजाजत के बगैर कैसे बना? जिले इंतजामिया के वैक्सीनेशन सेंटर को बगैर पूछे वैक्सीन क्यों दी? सेक्रेटरी सेहत सारा असलम बरहम। दो अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जिले इंतजामिया के सेंटर्स को मजीद वैक्सीन फ्राहम करने से रोक दिया, जबकि शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कोरोना के बाद अब चैलेंज वैक्सीनेशन है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। शहरी वैक्सीन लगवाकर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। गवर्नर पंजाब की GCU में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब और स्पीकर कौमी असेंबली की भी अहम बैठक। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट में तरमीम का बड़ा फैसला। पंजाब काबीना ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के ऑडिट का इख्तियार होगा। रेवेन्यू एक्ट में तरमीम से रेवेन्यू केसों पर नजरसानी की दूसरी अपील खत्म कर दी गई। सूबाई वजीर माल मलिक अनवर ने कहा कि तरमीम से रेवेन्यू केसेस का जल्द फैसला मुमकिन होगा। अवाम के सस्ते स्टोर भी रिलीफ देने में नाकाम हो गए। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीनी और घी की किल्लत। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ जाने पर मजबूर, जबकि ब्रॉयलर की कीमत को बैग गेयर लग गया। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए फी किलो मजीद सस्ता। दो रोज में 29 रुपए कमी। कीमत फी किलो 284 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 153 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली में आना हमजा शहबाज की मजबूरी थी। रिहा होने के बाद अपोजिशन रहनुमा असेंबली आना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। असेंबली ने अपोजिशन लीडर को बोलने का फिर भरपूर मौका फराहम किया। अपोजिशन वाले कायमा कमेटियों के इजलास में शामिल होते हैं। वजीर कानून राजा बिशारत का तकरीब से खिताब। जमानत के दौरान सुरानामा मुलजिमान की बरियत का बायस नहीं बन सकता। CRPC का सेक्शन 347 अराजीनामे को डील करता है। ट्रायल कोर्ट के इस राजीनामे को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। ट्रायल कोर्ट की बरियत का फैसला कल अदम। तमाम मुलजिमान के दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया। जस्टिस अली जिया बाजवा ने 9 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। और BA BSc के इम्तिहान सितंबर के दूसरे हफ्ते शुरू होंगे।
LLB पार्ट 3 के इम्तिहानात का आगाज भी सितंबर के दूसरे हफ्ते होगा, जबकि MA MSc के इम्तिहानात भी सितंबर में ही लेने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया, हतमी डेट शीट अगले हफ्ते जारी होगी।